मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूँ आपकी अपनी सोल में चबाना। हमेशा सोचती रहती हूँ आपके लिए क्या रिचुअल लेकर आऊँ, क्या रेमेडी लेके आऊँ, क्या इन्फॉर्मेशन लेके आऊँ, जिससे कि आपकी लाइफ जो है स्मूथ हो जाए और अगर कोई चैलेंजेस हैं, कोई मुश्किलात हैं, तो वो आपके हल होते चले जाएं, आपको ज़्यादा तकलीफ ना हो और आप किसी भी कठिनाई से आराम से मक्खन की तरह उसमें से आप निकल जाएं। आज का वीडियो भी कुछ ऐसे ही खास है। हाँ, आज के वीडियो में हम क्या बात करने जा रहे हैं? हम बात करने जा रहे हैं आपके घर की, आपकी प्रॉपर्टी की, या फिर अगर आप किराए पे भी जा रहे हैं तो किराए पे भी आपने अगर घर लेना है तो किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। देखिए, अगर आप कहीं घर खरीदने के लिए जा रहे हैं, प्रॉपर्टी बनाने के लिए जा रहे हैं, या बना बनाया फ्लैट है उसको खरीदने के लिए जा रहे हैं, या फिर आप रेंट पे जा रहे हैं, तब भी इस चीज़ को अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपके लिए जो है फ़ायदा ही होगा, नुकसान का कहीं भी कोई भी जगह नहीं है। क्या करना है आपको, क्या करना है आपको, किन चीज़ों का ध्यान रखना है आपको, वो बताने से पहले अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और पर्सनलाइज बटन, उसका बेल आइकन बटन दबा देंगे, जिससे कि मेरे वीडियोस आपके पास समय पे पहुंच जाएं, और वीडियो देखने के बाद लाइक ज़रूर करेंगे, कमेंट ज़रूर करेंगे कि आपको कैसा लगा, ये इन्फॉर्मेशन कैसे लगी, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। और अगर शेयर करेंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा, जिसको कहते हैं ना, बहुत ही अच्छा लगेगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। क्या खास है आज के वीडियो में, ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि आपको मैं कुछ बताने वाली हूँ, जिससे कि आप प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं, या रेंट पे जा रहे हैं, या किराए पे जा रहे हैं, या फ्लैट खरीदने जा रहे हैं, या पुराना मकान खरीदने जा रहे हैं, कोई भी आप मकान से मतलब है, तो आपको किन चीजों का ध्यान रखना है। आपको वहां की मिट्टी का ध्यान रखना है जी। जहां पे भी आप मकान देख रहे हैं खरीदने के लिए, रहने के लिए, बेचने के लिए, किसी भी चीज के लिए, आप वहां की मिट्टी देखिए। अब वहां पे आप, हो सकता है झाड़ू तो नहीं है, आप झाड़ू तो नहीं निकाल सकते हैं, नहीं तो आप झाड़ू लगा के भी देख सकते हैं। आपको क्या करना है, अगर आपके पास ये फैसिलिटी नहीं है तो आपको जिस ग्राउंड पे आप गाड़ी से जाएंगे, कार से जाएंगे, जैसे भी जाएंगे, जो घर के बाहर की जो मिट्टी है, तो वो मिट्टी ही आपको बता देगी कि वो मिट्टी आपके लिए सौभाग्य लेके आ रही है कि दुर्भाग्य लेके आ रही है। यानी कि उस घर में रहने से आपकी लाइफ स्मूथ हो जाएंगी कि चैलेंजेस आ जाएंगे। तो कुछ तरह की मिट्टियों के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ, और उन चीजों का आप ख्याल करेंगे तो सुखी रहेंगे। जिस जगह की मिट्टी हल्के सफेद रंग की होती है या फिर हल्का सा पीलापन लिए हुए होती है, और जो जिसके अंदर अगर आप जैसे पानी डालें ना और उसमें से सुगंध आए, तो ऐसी मिट्टी जो है आपके लिए हमेशा ही सौभाग्य लेके आती है। ऐसा सौभाग्य लेके आती है कि आपकी उन्नति होती है उस घर में जाके, आपको, आप धार्मिक हो जाते हैं, आपके नसीब जाग जाता है, डिवाइन आपकी सुनता है, और जो है हर तरह से आपके जीवन में अच्छा ही अच्छा होता है। तो अगर मिट्टी सफेद है या उसमें हल्का सा पीलापन लिया हुआ है और उसके अंदर खुशबू आ रही है, तो आप वही पानी डाल के आप खुशबू ले सकते हैं। अदरवाइज भी आप उसको टच भी करेंगे ना तो आपको बड़े अच्छा सा लगेगा, तो वो महसूस हो जाएगा आपको कि हाँ, ये जगह, ये मिट्टी हमारे लिए बहुत अच्छी है। कई जगह पे मिट्टी जो है लाली लिए हुए होती है, लालपन लिए हुए होती है, रेडिश होती है, जो जहां पे भी रेडिश कलर की मिट्टी आपको दिखे, तो आप ये समझ लीजिए कि वहां पे रहने से आपको थोड़े, आप साहसी तो हो जाएंगे, साहसी हो जाएंगे और थोड़े से चैलेंजेस लेने में निपुण हो जाएंगे और निडर हो जाएंगे, डर कहीं पे गायब हो जाएगा, लेकिन थोड़े गुस्से में आपकी बढ़ोतरी हो जाएगी,
यानी आर्ग्यूमेंटेटिव हो जाएंगे और थोड़े से कहते हैं ना बात बात पे योद्धा जैसे हो जाएंगे, क्योंकि उस तरह की मिट्टी में मंगल देवता आ जाएंगे, तो वो आपको जल्दी जो कहते हैं ना एक्साइटेड कर देंगे किसी भी चीज को लेके। तो हाँ, ये जरूर है कि सबको आपके आपके अंदर वो हेल्पिंग करने वाला, दूसरों की मदद करने वाला एक जज्बा जो है वो जरूर एक्टिवेट हो जाएगा और काफी आप कहते हैं ना बलशाली हो जाएंगे, स्ट्रेंथ आ जाएगा। लेकिन उसके साथ साथ दूसरी चीज ये है कि आपके क्रोध में जो है वृद्धि हो जाएगी, थोड़ा तीखा बोलेंगे, थोड़ा गुस्सा जरा जल्दी आ जाएगा। और ब्लड प्रेशर की भी प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर हायर की तरफ भी हो सकता है, जिस भी अगर उस मिट्टी पे जो घर बना है उसका जो मालिक है उस पे सबसे ज्यादा असर पड़ता है, तो वो थोड़ा सा गुस्सैल हो सकता है, उसको ब्लड प्रेशर हाई रह सकता है। तो ये दूसरी तरह की मिट्टी के बारे में है। कई जगह पे आपने देखा होगा कि मिट्टी थोड़ा हरापन लिए हुए भी होती है, वो काई लगी हुई होती है ना, हरापन लिए हुई भी होती है। तो अगर जहां पे भी आप जो मिट्टी देख रहे हैं अगर वो हरापन लिए हुए है, तो वहां पे बुध की प्रमुखता हो जाएगी, बुध प्लैनेट मर्करी। तो वहां के जो लोग हैं वो वहां पे इंटेलिजेंस ग्रो होगा, जो भी काम होगा सोच समझ के होगा, आपके अंदर जो है बिजनेस करने की क्षमता बढ़ेगी, इंटेलिजेंस बुद्धि बढ़ेगी और कहते हैं ना वाक पटुता आएगी, ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा होगी, बहुत ट्रैवलिंग होगी। अगर वहां पे आप घर लेते हैं बनाते हैं तो आपका जर्नीज बहुत ज्यादा होंगी, ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा होगी। और बहुत अच्छा है जब बुद्धिमान हो जाएंगे आप जो है हर चीज का अच्छा बुरा सोच के जो है चलेंगे, तो उसके लिए तो आपके लिए अच्छा ही है। फिर साथ में इस तरह की मिट्टी पे अगर आपका घर बना होगा तो आप लोगों के बीच में अपनापन बहुत होगा, रिलेशंस बड़े मीठे होंगे, रिलेशंस बहुत अच्छे होंगे, एडजस्टमेंट सब परिवार के लोगों में कोऑपरेशन बहुत ज्यादा रहेगा। लेकिन अगर घर की मिट्टी या वहां के बाहर की जो जमीन की मिट्टी है अगर कालापन लिए हुए है, काली काली मिट्टी भी होती है ना, अगर कालापन लिए हुए है तो आप समझ लीजिए कि आपके लाइफ के चैलेंजेस बढ़ जाएंगे, आपके लाइफ के चैलेंजेस बढ़ जाएंगे, आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, यानी कि किसी भी काम में आपको अपना 100% के बाद 110% देना पड़ेगा, तब जाके आपके काम पूरे होंगे। अव्वल तो आप मेहनती हो जाएंगे, ऑब्वियसली जब आपका काम नहीं बन रहा होगा तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट तो करना ही पड़ेगा, यानी काम आपके आसानी से नहीं होंगे, आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। तो अब आप खुद समझदार हैं कि आपको क्या करना है। अब अगर आपको ऐसी मिट्टी मिलती है जो कि बहुत ड्राई है, रेतीली है और जो भूरी भूरी सी है ना, हाथ में टिक भी नहीं रही है, तो ऐसी मिट्टी जो है बहुत अच्छी नहीं मानी जाती, दरिद्रता से भरपूर मानी जाती है, यानी कि वहां जाके हेल्थ खराब हो सकती है घर के परिवार के लोगों की। और या अगर आप ऑफिस बना रहे हैं तो वहां पे जो है हेल्थ पे बहुत असर पड़ेगा, इनकम में बहुत असर पड़ेगा, यानी कि बहुत अच्छी इनकम नहीं होगी और काफी ड्राइनेस रहने वाला है, लोगों के बीच में मन मुटाव सा रहेगा, लोग एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा ना जेल नहीं होंगे, कोऑपरेशन नहीं होगा, एक दूसरे की बात को काटेंगे, ईगो ईगो बहुत ज्यादा हो जाएगा और ऑब्वियसली चैलेंजेस आ जाएंगे। और ऐसी मिट्टी जहां पे कि आपको लग रहा है कि बहुत गंदी सी बदबू आ रही है, यानी आपको भा नहीं रही है वहां की मिट्टी, तो ऐसी जगह पे तो कभी भी घर मत लीजिएगा ना बनाइएगा, क्योंकि वहां पे नेगेटिव एनर्जी होने का पूरा अंदेशा होता है। ऐसी मिट्टी जो बहुत गीली होती है ना, बहुत लिग सी होती है ना, बिल्कुल चिपकी चिपकी सी होती है, गीली गीली सी होती है, मोस्टली जैसे तालाब के पास मिट्टी होती है ना वैसी मिट्टी होती है, वो भी दरिद्रता को निमंत्रण देने वाली मिट्टी होती है, क्योंकि इस तरह की मिट्टी में मोस्टली जो है इस घर के जो बच्चे हैं वो थोड़े पढ़ाई में कमजोर रहते हैं या
लोगों के दिमाग में थोड़े ना क्या कहते ना छोटे छोटे दिमाग वाले, कहते हैं ना छोटे सोच समझ वाले, विचार वाले, इस तरह के विचार उपजते हैं और लोगों में दूरियां रहती हैं और बहुत ज्यादा कहते हैं ना सुख और शांति नहीं होती है। छोटी छोटी बात को लेके अटक जाते हैं क्योंकि वो बड़ी चिपकी चिपकी सी मिट्टी होती है ना, तो कोई बात होती है तो उसको पकड़ के बैठ जाते हैं, सुइयां वहां पे लोगों की अटक जाती हैं, घड़ी की सुइयां अटक जाती हैं, यानी कि एक बात को पकड़ लेते हैं तो बस उसको फिर जन्मों जन्मों तक उसी बात को पकड़ के आगे चलते रहते हैं, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहता। वहां पे सैचुरेशन पॉइंट बहुत ज्यादा आ जाता है, ब्लॉकेजेस बहुत आ जाती हैं, तरक्की रुक जाती है, पॉजेज आ जाते हैं। अब मैंने आपको बताया तरह तरह की मिट्टियों के बारे में बताया कि जब आप घर खरीदने जा रहे हैं, बनाने जा रहे हैं, फ्लैट ले रहे हैं, रेंट पे ले रहे हैं, तो वहां की मिट्टी के अकॉर्डिंगली आप ये देख लीजिए कि आपको वो घर सूट करेगा कि नहीं सूट करेगा, और जो भी समझदारी से आप उसको कर सकते हैं, ले सकते हैं। अब आप ये पूछेंगे कि क्या अगर इस तरह की जो गड़बड़ घोटाले वाली मिट्टियां हैं, क्या इनको ठीक किया जा सकता है, यानी कि इनकी नकारात्मक ऊर्जा को दूर किया जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है। उसके अलग अलग उपाय होते हैं, अलग अलग रिचुअल्स होते हैं, वो भी किया जा सकता है। लेकिन जब आप जा ही रहे हैं, देख ही रहे हैं, तो जो आपको अगर ये फैसिलिटी मिल रही है कि आप मिट्टी को भी जांच कर सकें, तो व्हाई नॉट, अच्छे घर में ही जाइए। और अगर आपको कोई चॉइस नहीं है और आपने आप प्लॉट ले ही लिया है, आपको नहीं पता कि अब बिल्डर का ही फ्लैट ले लिया, आपने बिल्डर ने कैसे मिट्टी पे बनाया आपने वो नहीं देखा है, तो फिर उसके बाद सबसे पहला तो होता है वास्तु। सबसे पहले आप किसी अच्छे वास्तु एक्सपर्ट को बुला के आप अपना घर, ऑफिस, जहां पे भी है वो दिखा सकते हैं। वो जज करके आपको बता देंगे कि आपको क्या उपाय करने हैं। अदरवाइज हम जो हीलर्स बैठे हैं, जैसे मैं हूँ, मैं वास्तु भी करती हूँ और मैं साथ में हीलिंग्स भी करती हूँ, तो आपको उपाय हम जरूर बताएंगे कि क्या करना चाहिए। इस तरह की जो मिट्टी वाले घर हैं उनको हम पॉजिटिव कैसे करें, सकारात्मकता से कैसे भरें, तो उसका भी पूरा आपको उपाय मिल सकते हैं। तो पहले तो ये चेक करिए ना कि कैसे मिट्टी है, उसके बाद फिर देखेंगे। और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, बेल आइकन बटन जरूर दबाइएगा और देखते रहिएगा। अब मैं आपको बता रही हूँ, पिछले दिनों मेरा बिल्कुल मन नहीं करता था बनाने का वीडियोस, मैंने काफी दिन वीडियोस बनाए ही नहीं, इसलिए नहीं बनाए क्योंकि आप लोग कंप्लीट नहीं देखते हैं, लाइक नहीं करते, शेयर नहीं करते, तो फिर मन को लगता है कि क्या क्या करें। देखिए ना, समझिए, आप पूरा देखेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तभी तो हमारी हिम्मत बढ़ेगी, है ना, तभी तो हम आपकी आगे सेवा कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं। और अगर आपको पेड कंसल्टेशन चाहिए तो पेड कंसल्टेशन के लिए आप मुझे मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, बट दैट विल बी पेड। यूट्यूब पे फ्री होता है, बट जब हम पर्सनल विंडो पे बात करते हैं तो दैट इज पेड कंसल्टेशन, यू हैव टू गिव द एनर्जी एक्सचेंज, ठीक है? और कुछ कोई मोडालिटी सीखना चाहते हैं तो जरूर बताइएगा। अभी के लिए आगे दीजिए, थैंक यू सो मच।